हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बजे 11:12, हाँ 11:12 बजे, और तुम्हारा भाई देख सकते हो नहा धो के रेडी हो चुका है। तुम्हारा भाई को पता है ना, तुम्हारा भाई पूरा टाइम का पंचुअल है ना, और ऐसा पंचुअल आदमी ना तुम्हें दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा। और हाँ, क्या आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, हमारे यहाँ पे पिजन आते हैं यार, रोज 2-3 ऐसे पिजन आप बैठते रहते हैं, पर हम क्या उनको छोड़ो, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। और मैं बता रहा था ना कि मैं आपके लिए कुछ अलग कंटेंट लाने के बारे में सोच, और एक आगे और लोग कंटेंट को धमाकेदार कंटेंट लाने के बारे में सोच रहा था। तो एक्चुअली क्या, हम जा रहे हैं दी की रिसेप्शन पे, ऐसा कन्फर्म नहीं है जा ही रहे, बट ऐसे 50-50 पकड़ लो, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते। कुछ काम में अगर वो निपट गया तो जाएंगे, नहीं निपटा तो नहीं जाएंगे, तो ऐसा कंफर्म नहीं। पर मैंने सोचा रखा अगर जाएंगे तो आपके लिए धमाकेदार ट्रैवल ब्लॉग लाऊंगा, अगर नहीं जा रहे फिर भी आपके लिए कंटेंट तो आएगा ब्रो, क्योंकि मैंने कुछ अलग सोच के रखा था। अगर नहीं जा रहा हूं तो ये करूंगा, तो आपके लिए वो कंटेंट तो आ ही जाएगा, मतलब आपके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, धमाकेदार कंटेंट तो आपको मिलता रहेगा। और अगर जा रहा गया तो आपके लिए ट्रैवल ब्लॉग तो आएगा ही। और तुम्हारा भाई ने क्या सोचा पता है ना, अभी तुम्हारे भाई का वीडियो तो अपलोड चल रहा है, एक बार वो अपलोड खत्म हो जाए फिर मैं जाऊंगा थोड़ा, हमारा घर का इंटरनेट बड़ा काम, मतलब पिछले 2 दिन से ना इंटरनेट का फिर से इशू शुरू हो गया। रात 7:30 या 8 बजे से इनका क्या होता है, इंटरनेट 0.5, 0.2, 0.1 ऐसा इंटरनेट स्पीड आ रहा है। तो मैंने कंप्लेंट 2-3 बार किया है, पर अब तक उन लोगों ने कुछ ठीक नहीं किया है। तो आज फिर से कंप्लेंट किया, बोला आज से नहीं होगा, और अब ठीक हो जाता है। अगर आज रात शाम को ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ओके, अगर फिर होता है तो सीधा उनका ऑफिस सेंटर जाके उनसे बात करके कुछ करना पड़ेगा ब्रो। अभी एक और प्रॉब्लम हो गया, मतलब क्या जिंदगी में से प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, ऐसे लगातार चल रहा है, जैसे रेलवे लाइन चलता है ना वैसे ही। जैसे अभी हमारा प्लान था कि कल हम खालीकोट जाएंगे, फिर खालीकोट से सीधा निकलेंगे जहाँ पे रिसेप्शन है दीदी के, जाजपुर, वहीं जाने के निकल जाएंगे। पर एक्चुअली अब क्या हुआ, कल सुबह 4 बजे निकलने वाले, तो हम सबको आज जाना पड़ेगा खालीकोट। फिर क्या, अभी बोला कुछ लोगों ने बोला 3 बजे निकलना है, फिर बोला रात को 8 बजे निकलना है, फिर बोल रहे कार कर रहे कार से निकलना है। तो भाई दिमाग फट रहा है मेरा, वो एक तो फिक्स करो, ये सब बोल रहे कुछ मुझे पता नहीं क्या होगा, कैसे जाऊंगा क्या जाऊंगा, पर आज तो जा रहे हैं ये फाइनल है। तो क्या अभी क्या है, वहां जाएंगे फिर वहां से क्या घूमने जाएंगे, तो मेरे पास अभी वो क्या बोलते सनग्लास नहीं है, जो है वो पुराना हो गया है, थोड़ा नया चाहिए। तो अभी सनग्लास लेने भी मुझे जाना है, फिर मेरे को कपड़े भी सजाना है, बहुत है, बहुत काम है ब्रो। और अभी हो चुके 2:05। अब क्या मुझे कल के लिए जो वीडियोस है ना, वो भी मुझे एडिट करके अपलोड करके जाना पड़ेगा, या फिर मैं लेके जाऊंगा खालीकोट में लैपटॉप रख के निकल जाऊंगा। वहां पे जहां भी जाएंगे हम वहां सब निपटा के फिर आएंगे, वहां पे एक दिन रुकेंगे, तो वहां पे मेरा लैपटॉप नहीं होगा, वीडियो का प्रॉब्लम होगा। तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो, मतलब 2 वीडियो एडिट करके लगातार 2 दिन के लिए शेड्यूल करके चला जाऊंगा। तो देखते हैं अभी क्या करना है, मुझे रेडी होना है। फिर अब तक जुबली नहीं आई है कॉलेज से, वो 5 बजे आएगी, फिर या 3 बजे मैं निकल रहा हूँ, क्या मुझे 8 बजे निकल रहा हूँ, या 5 बजे कार से निकल रहे हैं, 7 बजे कार से निकल रहे पता नहीं, बट किसी वक्त तो निकलने वाले। अभी मैं रेडी होकर जाऊँगा चश्मे लाने, एक बार चश्मे लेके आ जाऊँ, फिर देखिए आगे क्या करेंगे, क्या 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 वो देख लेंगे। एक्टर लोग इतना टेंशन तो लगता है ना ब्रो, मैं आपको तब मिलता हूँ, चलो चलो। एक्चुअली अभी 2:03 और हमारे 3:30 की ट्रेन है, क्योंकि मैं बोल रहा था कभी भी निकलना पड़ सकते, अभी हम निकल रहे हैं। और भाई मेरा भाई आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो मैं अभी जा रहा हूँ लिफ्ट पे आगे, मैं आपको मिलता हूँ नीचे जाके, एक मिनट, ग्राउंड फ्लोर। हाँ तो हाँ, अभी जैसे हम जा रहे हैं तो अभी हमारा 3:30 का ट्रेन है, वहां से पकड़ सीधा हम खालीकोट जाएंगे। तो अभी तो लेट हो, 3 कितना हो जाए सर, 3:15 हो गया, तो डायरेक्ट यहीं से स्टेशन निकल जाएंगे, वो मुझे रहने आ रहे हैं, मैं आपको स्टेशन में मिलता हूँ। तो अभी हम सही टाइम पे आ चुके हैं ट्रेन पे, अभी ट्रेन 1-2 मिनट में छोड़ने वाला है, जस्ट एंड मोमेंट पे आए थे, अभी ट्रेन 2-3 मिनट लेट हो गया, मैं आपको बाद में मिलता हूँ, बाय। गाइस अभी हम खालीकोट आ चुके हैं, और आपको क्या बताओ कितने परेशान हो गए, मतलब हमारा ट्रेन था 3:30 बजे का, हम 3:30 बजे स्टेशन आके ट्रेन में बैठ गए, ऑनलाइन दिखा रहे ट्रेन ऑन टाइम है, पर ट्रेन डिले चल रहा है, ट्रेन वहाँ पे लगभग 4:20 को चल रहा है, और हम खालीकोट में 5:25 को पहुँच गए, और भाई आए थे हम लेके आके घर पे। अब हुआ क्या, पप्पड़ हमारे से ये हो गया कि मम्मी आंटी सब निकल रहे 5 बजे कार से,
वो लगभग 6 बजे आ जाएंगे, और हम 5:30 बजे हम आए, 3:30 बजे से निकले, 5:30 बजे आए, और बदन इतना दर्द कर रहा है भाई क्या बताए। मतलब ट्रेन इतना बोलते ना क्राउड नहीं था, पूरा खाली ट्रेन था, कम लोग हो गए, मतलब हमारे हम जिस बगी में था ना उसमें लगभग 30 या 35 लोग ही हो गए। तो जो भी है खाली कोर्ट तो आ गए, अभी जाएंगे, पर 2 दिन काम करना है, फिर आगे कहीं बाहर जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के, आप देख सकते हो 6:45, और अभी हम जा रहे हैं, यही तो जा रहे हैं घूमने, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, भूटन में दिखाने ले जा रहे हैं, लेट्स गो। अभी हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं ना जो बोल मतलब यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, मतलब अभी तो एक घर दिखने मिला, पूरा सुनसान है, हमारी जो गाड़ी के लाइट है ना हम इसमें ही जा रहे हैं। यहाँ पे कोई जंगली जानवर तो नहीं निकलेगा ना, वो इतनी ठंडी में ना जा तो रहे हैं। गाइस अभी क्या बोलते हैं ना, बुटन भाई हमको बोल के रहे थे अब मैं तुमको खलीकोट का हॉरर प्लेस दिखाऊंगा, खलीकोट हमारा घुमाऊंगा, क्या दिखा रहे, खलीकोट का स्टेडियम पे, खलीकोट के जहाँ पे जो लोग पीते हैं ना क्या बोलते जुआर था, फिर दिखाए हमको स्पेशल क्या दिखाए उसके बाद कुछ भी नहीं, कल्याण मंडप, फिर तालाब, ये खलीकोट का स्पेशलिटी है भाई, अच्छी चीज को दिखाओ, एटलीस्ट स्मशान ही दिखा दो, ग्रेवयार्ड जाएंगे तो कुछ तो हॉरर वाला फील करेंगे ना। अभी देखो कहाँ पे घुमा रहे हैं हमको, पता नहीं बट कहीं तो घूम रहे हैं, इस खेत में है ये किसी का घर है, आधा काम चल रहे, कोई हग रहा है, कोई मूत रहे, यही देख रहे तब से बैठ के। आपने देखा ये है खलीकोट का स्वच्छ क्या उसको बोलते हैं स्विमिंग पूल, डेवलपमेंट खलीकोट का डेवलपमेंट नहीं, लोग बुरा बन जाएंगे, खलीकोट का होममेड स्विमिंग पूल। अभी हम आ चुके हैं निर्मल जल टेम्पल, आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड लगा दिख रहा है कि नहीं पता, नहीं दिख रहा था आपकी आंखें खराब है, और अभी तो मंदिर बंद हो चुका है और 4 या 5 बजे तक बंद हो जाता है, और हमारे साथ है आगे कौन है आप जी, इंसान इंसान है जो किसी काम की नहीं है, आप भी 2 लाइन बोल दीजिए, क्या बोलूं, ब्लॉग में ले लो, क्या बोलूं, क्या बोलूं, कुछ तो बोल, निकल यहाँ से पागल इंसान। आप देख सकते आपके सामने दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान अनिक पंडा खड़ा है, जो फ्यूचर में बॉलीवुड में राज करने वाला है। गाइस अभी हम आ चुके हैं घूम के, और अभी टाइम आप देख सकते हो 7:31, और अभी हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। आप देख सकते हो नो पार्किंग, राइट, नो पार्किंग, निकालो इसको इधर से, ये देश डेवलप हो रहा है, मेरे को मिनिस्टर बनाओ यार। हे गाइस अभी टाइम हो चुका है 11:14, और हमारा डिनर खत्म हो चुका है, और अभी जा रहे हैं हम सोने के लिए क्योंकि सुबह जल्दी उठ के अभी जाना है। सो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, मैं मिलूंगा आपको अगले ब्लॉग में, बाय।